आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि पहले दो चरणों में हुई कम वोटिंग का मतलब क्या है। पूरे देश में एक थ्योरी चल रही है कि कम वोटिंग का मतलब है कि सरकार के प्रति लोग उदासीन हैं। क्या यह थ्योरी सही है कि जब कम वोटिंग होती है तो सरकार बदल जाती है। इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि कम वोटिंग से किस पार्टी को नुकसान होगा और ये कम वोटिंग का असल में मतलब क्या है। और विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि कम वोटिंग का मतलब है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी इस बार का चुनाव हार रहे हैं या उनके प्रति लोगों में उदासीनता है। लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आज आपके सामने हम ऐसे आंकड़े पेश करेंगे जिनसे ये सारी थ्योरीज जो है गलत साबित हो जाएंगी। आज जब हमने वर्ष 1951 और 52 से लेकर वर्ष 2019 के बीच हुए इस देश के 17 लोकसभा चुनावों का डेटा निकाला, उनका अध्ययन किया, तो हमें पता चला कि वोटिंग परसेंटेज से चुनावों के नतीजों का कोई खास संबंध नहीं होता। और ऐसा कई बार ज्यादा वोटिंग पर भी सरकारें नहीं बदलती और कई बार कम वोटिंग पर भी सत्तारूढ़ पार्टियों को कोई नुकसान नहीं होता। यानी इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। अब मैं आपको ये आंकड़े बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं जिससे आप ये समझ जाएंगे कि वोटिंग परसेंटेज से चुनावों के नतीजों का अनुमान लगाना लोगों को गुमराह करने जैसा है। अब देखिए, अब आप यहां पर आइए और ये बड़ी स्क्रीन देखिए। वोटिंग में बदलाव से क्या बदलती है सरकार, ये आप देखते जाइए। लोकसभा चुनाव में पहली बार सबसे कम वोटिंग वर्ष 1971 में हुई थी। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बार वोटिंग परसेंटेज जब गिरा तो वो था वर्ष 1971, कांग्रेस की सरकार थी और वोटिंग परसेंटेज तब गिरा 5.77% वोटिंग परसेंटेज तब गिर गया था। इससे पहले लगातार बढ़ ही रहा था। देखिए, पहली बार 1971 में गिरा। उस समय फिर वर्ष 1967 के मुकाबले 5.7% मतदान कम हुआ था और इस कम मतदान के बावजूद देश में सरकार नहीं बदली थी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही सरकार में बनी रही थी। अब आपके सामने कुछ मैं और नतीजे दिखाता हूं। इसी तरह से कहा जाता है कि ज्यादा वोटिंग सरकार के बदलने के लिए होती है, बदलाव के लिए होती है, जबकि आंकड़े कहते हैं कि वर्ष 1957, 1962, 67, 1984, 2009 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब ज्यादा वोटिंग हुई तो भी देश में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ और वोटिंग बढ़ने पर भी सत्तारूढ़ दल ही सरकार में बने रहे हैं। अब देखिए, अब इन आंकड़ों को आप ध्यान से देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक 17 लोकसभा के आंकड़े हमने निकाले हैं 17 लोकसभा चुनावों के। देखिए, 1951-52 से लेकर जब आप यहां आएंगे 1971 में पहली बार वोटिंग परसेंटेज कम हुई 5.77%, यानी लगभग 6% वोटिंग कम हुई है, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, बदलाव नहीं, कम वोटिंग के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार नहीं बदली। अब देखिए, फिर 1977 में लगभग 5.25% वोटिंग बढ़ गई, लेकिन परिवर्तन हुआ और जनता पार्टी की सरकार आ गई। 1980 में 3.5% वोटिंग बढ़ी, कम हो गई। देखिए, यहां यह खास बात यह है कि यहां 3.5% वोटिंग कम हुई है 1980 में जब मुरारजी देसाई की सरकार थी और उसके बाद बदलाव हुआ और 1980 में कांग्रेस की सरकार आ गई, यानी कम वोटिंग के बाद सरकार यहां बदल गई। अब देखिए, 1984 7% ज्यादा वोटिंग हुई, कांग्रेस की सरकार थी, बदलाव नहीं, मतलब ज्यादा वोटिंग के बाद भी सरकार नहीं बदली, क्योंकि उस समय आपको याद होगा राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री बन गए थे और ये इंदिरा गांधी का जब हत्या हुई थी, इसलिए ये चुनाव जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चुनाव था। फिर 1989 में 2% वोटिंग कम हुई है और सरकार में बदलाव हुआ है कम वोटिंग के बाद। 1991 में 6% वोटिंग कम हो गई और फिर बदलाव हुआ है कम वोटिंग के बावजूद, यहां पर दोनों जगह बदलाव देख रहे हैं। फिर देखिए, 1996 में 2% ज्यादा वोटिंग हुई है और यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आई, ज्यादा वोटिंग पर भी बदलाव हुआ है, सरकार बदल गई। फिर अगला चुनाव 1998 का 4% ज्यादा वोटिंग हुई पहले के मुकाबले और यहां
फिर बदलाव हुआ और यह बीजेपी की सरकार है। देखिए आप, फिर जब बीजेपी की सरकार थी 99 में लगभग 2% वोटिंग कम हुई है, लेकिन सरकार बनी रही और सरकार में बदलाव नहीं आया। तो यहां आप अगर देखेंगे तो जब वोटिंग ज्यादा हो रही है तो भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब सरकार में कोई बदलाव नहीं है, और कम हो रही है तब भी ऐसा देखा जा रहा है जब सरकार में बदलाव नहीं है। फिर देखिए 1.92% वोटिंग कम हुई है 2004 में, लेकिन यहां सरकार बदल गई और यहां यूपीए की सरकार आ गई। 2009 में मामूली सा फर्क आया है, 0.14% वोट बढ़ा है, लेकिन कोई बदलाव नहीं, सरकार यूपीए की ही रिपीट हो गई। 2014 में देखिए 8.23% बढ़ाए, जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पहली बार आई थी तब वोटिंग बढ़ी है 8% से ज्यादा और बीजेपी की सरकार आ गई, बदलाव हुआ है। और 2019 में ये देखिए ना के बराबर वोटिंग बढ़ी है, 0.96% वोटिंग बढ़ी है। आप सोच लीजिए 1% से भी कम वोटिंग में वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार तो भी नहीं बदली और कोई बदलाव नहीं और बीजेपी की सरकार जारी रही, यानी प्रधानमंत्री मोदी फिर से जीत गए और यहां भी कोई बदलाव नहीं आया। और अब 2024 में 69.85% वोटिंग है पहले और दूसरे फेज में, जो पिछले 2019 से तो ज्यादा है और 2014 से भी मामूली सी ज्यादा है। राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कभी कहा ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो बल्कि ये कहा कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आ गए तो भी इस देश से आरक्षण समाप्त नहीं होगा। तो राहुल गांधी का दावा है कि बीजेपी के नेता भी आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, जबकि यह दावा भी फैक्ट चेक में पूरी तरह से गलत निकला है। आरक्षण को लेकर दो नेताओं के वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें एक वीडियो गृह मंत्री अमित शाह का है और दूसरा वीडियो राजस्थान के एक मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का है। और इन दोनों ही नेताओं के वायरल वीडियो में यह दावा किया गया है कि वो बीजेपी की सरकार बनने के बाद आरक्षण को समाप्त करने की बात कह रहे हैं, लेकिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के फैक्ट चेक में ये दोनों वीडियोस फेक निकले। और बड़ी बात यह है कि इन फेक वीडियोस को कांग्रेस के नेताओं ने ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, और जिस पर अब गृह मंत्रालय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत 5 नेताओं को आरक्षण पर गृह मंत्री अमित शाह का एक फेक वीडियो पोस्ट करने पर समन जारी किया है, और रेवंत रेड्डी को जो नोटिस भेजा है उसमें लिखा है कि उन्हें पूछताछ के लिए अपना मोबाइल फोन भी साथ में लाना होगा, क्योंकि पुलिस उनके फोन की जांच करेगी और पता लगाएगी कि अमित शाह का फेक वीडियो वायरल कैसे हुआ है। रेवंत रेड्डी को पुलिस ने इसलिए नोटिस भेजा क्योंकि वो तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष वाले अकाउंट से अमित शाह का आरक्षण वाला फेक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। और आरोप है कि रेवंत रेड्डी ने ही देश में यह झूठ फैलाया, और खतरनाक बात यह है कि इस फेक वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से तैयार किया गया है। और जब आप अमित शाह के इस फेक वीडियो को देखेंगे तो आप ब्लैक और व्हाइट में शायद अंतर कर ही नहीं पाएंगे। इसी को कहते हैं डीप फेक, इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम आपको यह बताएंगे कि खुद को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का चैंपियन बताने वाला अमेरिका कैसे अपने देश में विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों को लगातार गिरफ्तार करता जा रहा है। इस समय अमेरिका के 8 राज्यों की 18 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और 30 से ज्यादा कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थानों में ये विरोध प्रदर्शन आग की तरह फैल चुके हैं। तस्वीरों को आप देखिए, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और टेक्सास यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन और गाजा के समर्थन में बड़े पैमाने पर पिछले 10 दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा है, और इस आंदोलन में अब तक 900 छात्रों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस की कार्रवाई में सैकड़ों छात्र गिरफ्तार भी हुए हैं। और जो अमेरिका खुद को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का चैंपियन बताता है, मानवाधिकारों को लेकर दुनिया को लेक्चर देता है, वही अमेरिका पूरी ताकत के साथ इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है और कह रहा है कि इस तरह के आंदोलनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तस्वीरें आप जरा एक बार देख लीजिए। अब जरा फ्लैशबैक में चलिए थोड़ी देर के लिए।
यह अमेरिका वही देश है जिसने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगाने पर भारत सरकार की ही तब आलोचना की थी और कहा था कि भारत को अपने देश के छात्रों की अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करना चाहिए। जब आपको याद होगा जेएनयू में भारत को तोड़ने के नारे लग रहे थे, जब जेएनयू में आजादी के नारे लग रहे थे, जम्मू कश्मीर को लेकर, अफजल गुरु को लेकर आपत्तिजनक नारे लग रहे थे, और तब अमेरिका हमें ये लेक्चर दे रहा था कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है और भारत की सरकार को अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करना चाहिए। भारत में वर्ष 2011 की जनसंख्या में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 10 करोड़ 38 लाख थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 8.5% है, लेकिन यह संख्या अब तेजी से बढ़ रही है और ऐसा अनुमान है कि 2036 में यह संख्या बढ़कर 22 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी और तब भारत की कुल जनसंख्या में 15% लोग ऐसे ही सीनियर सिटीजन्स हो जाएंगे। अब सोचिए, भारत वो देश है जहां श्रवण कुमार की माता पिता की सेवा करने की कहानियां सुनाई जाती हैं, जहां भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए सारी सुख सुविधाएं अपना राजपाट त्याग दिया और वनवास पर चले गए। मगर आज यहां संस्कारों का इतना पतन हो चुका है कि माता पिता को उनके ही बच्चे बोझ समझने लगे हैं और आपने देखा होगा कि बहुत बार बच्चे संपत्ति के लिए तो लड़ते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं कि किसको कितनी संपत्ति मिलेगी, लेकिन माता पिता किसके पास रहेंगे इस बात को लेकर झगड़ा आपने शायद ही किसी परिवार में सुना होगा। शायद ही किसी परिवार में आपने सोचा होगा, सुना होगा कि बच्चों का आपस में झगड़ा हो रहा है इस बात को लेकर कि माता पिता उनके साथ रहेंगे या किसी और के साथ। यानी बच्चे अब माता पिता को लेकर झगड़ा नहीं करते, सिर्फ संपत्ति को लेकर झगड़ा करते हैं।